आज का टॉपिक है JDBC स्क्रोलेबल एंड अपडेटेबल रिजल्ट सेट। अब ये स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट क्या है? जैसे कि हमने JDBC पार्ट 1 में देखा है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट क्वेरी के आउटपुट को स्टोर रखता है। लेकिन जब भी हम रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तब बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट टेबल रिकॉर्ड मूवमेंट्स को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना अलाउड करता है, जिसे हम कहते हैं नॉन स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट। अगर हमें रिजल्ट सेट में स्टोर रिकॉर्ड्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करना है, तो हमें स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो क्वेरी एग्जीक्यूट करता है उसे रिजल्ट सेट का टाइप स्क्रोलेबल देना होगा। इसलिए हम जब कनेक्शन इंटरफेस के क्रिएट स्टेटमेंट मेथड से स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब हमें उसमें दो पैरामीटर्स यूज करने होंगे। पहला रिजल्ट सेट का टाइप यानी कर्सर मूवमेंट, दूसरा रिजल्ट सेट का मोड। बाय डिफॉल्ट रिजल्ट सेट कर्सर मूवमेंट है, टाइप अंडरस्कोर फॉरवर्ड अंडरस्कोर उन। इसके जगह हम स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लिखना होगा टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर सेंसिटिव या फिर टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव। मोड हो सकता है कॉन्कर अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर ओनली, जो डिफॉल्ट रिजल्ट सेट टाइप है, या फिर हो सकता है कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल। अब देखेंगे स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट क्रिएट करने के लिए जावा का कोड। यहाँ पर हमने क्रिएट स्टेटमेंट मेथड में पहला पैरामीटर लिखा है रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव, जिससे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मूवमेंट्स कर सकते हैं। अब देखेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए रिजल्ट सेट कौन से मेथड्स को यूज करता है। बिफोर फर्स्ट, ये मेथड रिकॉर्ड कर्सर को बिगिनिंग ऑफ फाइल पे लेके जाएगा। आफ्टर लास्ट मेथड रिकॉर्ड कर्सर को एंड ऑफ फाइल पे लेके जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट मेथड रिकॉर्ड कर्सर फर्स्ट रो पे और लास्ट मेथड रिकॉर्ड कर्सर लास्ट रो पे लेके जाएगा। प्रीवियस मेथड से अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो कर्सर पोजीशन प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड से अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है तो कर्सर पोजीशन नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाए। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेथड से हम किसी भी रिकॉर्ड पोजीशन पे जा सकते हैं। जो रिकॉर्ड पोजीशन पे हमें जाना है उसका रिकॉर्ड नंबर हमें ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन एब्सोल्यूट मेथड में रिकॉर्ड पोजीशन काउंटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड से होगी और रिलेटिव मेथड में रिकॉर्ड पोजीशन काउंटिंग करंट रिकॉर्ड के कर्सर पोजीशन से होगी। रिलेटिव मेथड के ब्रैकेट में रो नंबर माइनस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ब्रैकेट में -1 लिखा तो इसका मतलब होगा कि हम करंट रिकॉर्ड पोजीशन से पिछले रिकॉर्ड पे जाएंगे। जैसे कि हमने JDBC पार्ट 1 में देखा है, JDBC कोड के लिए हम 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 है इंपोर्ट पैकेज, स्टेप 2 है क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, जिससे हम ड्राइवर लोड करते हैं। यहाँ पर हमने MySQL का ड्राइवर यूज किया है, ये टाइप 2 ड्राइवर है। टाइप 2 ड्राइवर है नेटिव API पार्टली जावा ड्राइवर। अब देखेंगे टाइप 2 ड्राइवर कैसे वर्क करता है। ये ड्राइवर जरूरी नहीं
की जावा में लिखा। ये डेटाबेस के क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को यूज करता है। हमने यूज किया है MySQL डैश कनेक्टर डैश जावा डैश 5.1.9.jar लाइब्रेरी फाइल। अगर हम डेटाबेस चेंज करते हैं तो इस लाइब्रेरी फाइल को चेंज करना होगा। ये नेटिव लाइब्रेरी कोड SQL क्वेरी को डेटाबेस को पास करता है और उसका आउटपुट नेटिव कोड के हिसाब से इंटरप्रेट करता है और JDBC उसे जावा के हिसाब से इंटरप्रेट कर। टाइप टू ड्राइवर JDBC कॉल्स को डेटाबेस के नेटिव कॉल के हिसाब से कन्वर्ट करता है। हमारा स्टेप 3 है क्रिएट कनेक्शन। ये स्पेसिफिक डेटाबेस से सेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पर गेट कनेक्शन मेथड में जो JDBC URL यूज किया है वो है JDBC:mysql:localhost:3306/cardb। हर सेगमेंट को कोलन से सेपरेट किया है। पहला JDBC, दूसरा MySQL, तीसरा है होस्ट नेम और चौथा पोर्ट नंबर डेटाबेस नाम के साथ। गेट कनेक्शन मेथड में हमने लास्ट दो पैरामीटर्स जो यूज किए हैं वो है रूट और सिस्टम। रूट है MySQL डेटाबेस का यूज़र नेम और सिस्टम है उसका पासवर्ड। हमारा स्टेप 4 है क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ इसके ब्रैकेट में हमने स्क्रोलेबल कर्सर के लिए पहला पैरामीटर और दूसरा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो रीड ओनली होता है वो यूज किया है। हमारा स्टेप 5 है एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। यहाँ पर हमने जो क्वेरी एग्जीक्यूट किया है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, जिसका आउटपुट हमने रिजल्ट सेट के RS ऑब्जेक्ट में स्टोर रखा है। हमारा स्टेप 6 है मूव टू रिकॉर्ड पोजीशन एंड रिट्राइव एंड डिस्प्ले डेटा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट रिकॉर्ड कर्सर पोजीशन BOF पे होता है और हमें लास्ट टू फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। हमने यूज किया है आफ्टर लास्ट मेथड, जिससे हमारा रिकॉर्ड कर्सर पोजीशन EOF पे जाएगा। उसके आगे हमने व्हाइल लूप लिखा है, जिसके ब्रैकेट में लिखा है RS.previous exactly equal to true। इसका मतलब है कि ये व्हाइल लूप ब्लॉक तब तक रन होगा जब तक इसे प्रीवियस रिकॉर्ड मिलेगा। अब इस कोड को लिखेंगे। सबसे पहले MySQL का डेटा देखते हैं। यहाँ CardDB है डेटाबेस का नाम। यहाँ कार टेबल के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं और लास्ट रिकॉर्ड है 203। अब नोटपैड में कोड लिखेंगे। इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद हमने MySQL का जो लाइब्रेरी फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है उसे प्रोग्राम के फोल्डर में कॉपी करेंगे। अब चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के पहले हमें लाइब्रेरी फाइल का क्लास पाथ सेट करना होगा।
प्रोग्राम रन करने के बाद हमें 203 वाला रिकॉर्ड सबसे पहले दिख रहा है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लास्ट रिकॉर्ड से फर्स्ट रिकॉर्ड तक रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। अब देखते हैं अपडेटेबल रिजल्ट। रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन के लिए जावा ने रिजल्ट सेट इंटरफेस में कुछ मेथड्स दिए हैं, जिससे हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। ये मेथड्स है अपडेट रो, डिलीट रो एंड इंसर्ट रो। अगर हमें रिजल्ट सेट इंटरफेस में इन मेथड्स को यूज करना है, तो हमें क्रिएट स्टेटमेंट मेथड का कॉन्करेंसी मोड एट्रीब्यूट कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल लिखना होगा। अगर क्रिएट स्टेटमेंट मेथड में हम कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल मोड यूज करते हैं, तो हमें टाइप एट्रीब्यूट टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर सेंसिटिव या टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव लिखना होगा। टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर सेंसिटिव का मतलब है कि अगर ये चेंजेस ज़्यादा यूजर्स कर रहे हैं, तो ये चेंजेस सभी देख सकते हैं। टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव का मतलब है कि अगर रिकॉर्ड चेंजेस ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये चेंजेस सिर्फ चेंजेस करने वाला यूजर ही देख सकता है। अब देखते हैं जावा का कोड। जैसे कि हमने स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट के प्रोग्राम में लिखा है, यहाँ पर हमने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 उसी तरह लिखा है, लेकिन स्टेप 4 जो है क्रिएट स्टेटमेंट, उसके लिए हमने जो पैरामीटर्स लिखे हैं वो है रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रोल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव और रिजल्ट सेट डॉट कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल। कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल लिखने से हम रिजल्ट सेट से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। स्टेप 4 के बाद हमने स्टेप 5 में क्वेरी एग्जीक्यूट किया है। rs.absolute कमांड हमें सेकंड रिकॉर्ड पे लेके जाएगा, क्योंकि उसके ब्रैकेट में 2 लिखा है। अपडेट स्ट्रिंग मेथड से हमने इस रो के सेकंड कॉलम का वैल्यू होंडा से चेंज किया, और अब अपडेट रो मेथड से हम इस रिकॉर्ड को डेटाबेस में मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखेंगे रिलेटिव मेथड, जिसके ब्रैकेट में -1 लिखा है, जिससे हम एक रिकॉर्ड पीछे जाएंगे, और डिलीट रो मेथड इस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। अब ये जो एब्सोल्यूट ब्रैकेट में 6 मेथड लिखा है, उससे हमारा करंट रिकॉर्ड पोजीशन 6 होगा। rs.moveToInsertRow कमांड करंट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए न्यू रिकॉर्ड के लिए बफर क्रिएट करेगा। अब इसके आगे जो अपडेट मेथड्स लिखे हैं, वो इस रिकॉर्ड बफर में फर्स्ट कॉलम का वैल्यू 6, सेकंड कॉलम का वैल्यू टोयोटा एंड थर्ड कॉलम का वैल्यू अवेलेबल लिखेगा। rs.insertRow कमांड न्यू रिकॉर्ड इन वैल्यूज के साथ करंट रिकॉर्ड के पहले डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। मूव टू करंट रो मेथड रिकॉर्ड कर्सर करंट रिकॉर्ड पे लेके जाएगा। अब इस कोड को लिखेंगे।